हेलो दोस्तों यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एच जी एक्स निफ्टी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ एच जी एक्स निफ्टी क्या है एच जी एक्स ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है और एच जी एक्स निफ्टी ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ऑफर्ड बाय सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज जो ऑब्वियसली हमारे निफ्टी से रिलेटेड है जैसे हम निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वैसे ही सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे एच डी एक्स निफ्टी पर ट्रेड होता है सो so, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर पाते ड्यू टू टाइम जोन वो लोग एच जी एक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं एच जी एक्स निफ्टी ये इंडियन टाइम जोन के हिसाब से सुबह से छः से सवा छः बजे तक खुल जाता है और रात के ग्यारह बजे तक ओपन रहता है तो फिर जितने भी अप्स एंड डाउन्स ये ग्लोबल मार्केट में आते हैं ये सभी एच जी एक्स निफ्टी की प्राइस में फैक्टर इन होते हैं और इसी वजह से अगले दिन हमें निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन देखने मिलता है तो फिर ऐसा ही कुछ हमें फ्राइडे के दिन देखने मिला जब भी इंडियन मार्केट्स क्लोज थे और एच जी एक्स निफ्टी में ट्रेड हो रहा था क्योंकि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ओपन था सो वर्ल्ड मार्केट फ्राइडे के दिन बहुत टूटा था जैसे कि आप देख सकते हो नैचडैक जो कि 3.2 परसेंट गिरा था ये यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है फिटसी जो कि लंडन स्टॉक एक्सचेंज है वो भी 2.34 परसेंट से गिरा था तो इसी का प्रभाव हमें एच जी एक्स निफ्टी में देखने मिला और एच डी एक्स निफ्टी ये नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के लेवल्स पे टच कर गया जबकि अगर हम लोग निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे तो ये नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड के आसपास है लेकिन जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो एच जी एक्स निफ्टी के हिसाब से ही प्राइसिस सेटल होंगी सो फ्रेंड्स एच जी एक्स निफ्टी जो है इसकी प्राइसिस में पूरे वर्ल्ड मार्केट के अप्स एंड डाउन्स फैक्टर इन रहते हैं और दूसरे दिन सुबह जब मार्केट इंडियन मार्केट्स ओपन होते हैं तभी ये प्राइसेस उसमें एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर फ्रेंड्स मंडे को हमें निफ्टी की प्राइसेस में 300 से 400 पॉइंट्स का बड़ा गैप डाउन देखने मिल सकता है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यश टी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर जो कि है टाटा मोटर्स लिमिटेड दोस्तों टाटा मोटर्स ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स में ट्रक्स आ जाते हैं बाद में पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें फोर व्हीलर कार्स और एक्स कार्स आ जाती है उसके बाद लग्जरी व्हीकल्स भी बनाती है टाटा मोटर्स जिसमें जैगबोर एंड लैंड रोवर आ जाता है सो टाटा मोटर्स के कुछ मेजर कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मारुति सुजुकी लिमिटेड यूनडाई मोटर्स जो एक्चुअली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है सो so, ये तो सब पैसेंजर व्हीकल्स के कॉम्पिटिटर्स है उसके बाद ट्रक्स में उनके कॉम्पिटिटर्स है आइशर मोटर्स एंड अशोक लेलैंड ये दो बड़े प्लेयर्स है ट्रक्स के मार्केट में जहाँ पर टाटा मोटर्स नंबर वन है सो so, टाटा मोटर्स का मेजर रेवेन्यूज जो है वो ट्रक्स के मार्केट से आता है और बाकी जैगवॉर एंड लैंड रोवर चलाने में ये सब वॉश आउट हो जाता है सबसे पहले मार्च 2019 के रिजल्ट्स देख लेते हैं मार्च 2019 में उनके रेवेन्यूज 1.4 परसेंट से कम हो गए थे उसके बाद उनकी नेट इनकम जो है वो 47.42 परसेंट से कम हो गई थी सो इतना बड़ा फॉल ये बहुत ही लाइक like, डिसपॉइंटिंग है टाटा मोटर्स के लिए सो so, इतना बड़ा फॉल ये टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी उनके कम हो गए थे फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट पर आ गए थे और ऑपरेटिंग इनकम भी कम हो गई थी दोस्तों गूगल के फाइनेंशियल्स पे टाटा मोटर्स के सभी रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे तो हम स्क्रीनर डॉट इन पर जाते हैं और टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स वहाँ पर देखते हैं सो so, टाटा मोटर्स के हम लोग अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो मार्च 2019 में टाटा मोटर्स को अराउंड 28000 करोड़ का लॉस हुआ था जी हाँ दोस्तों इतना इसके अंदर तो टी मोटर्स और आइशर मोटर्स दोनों समा जाएंगे टी मोटर्स अराउंड 15000 थाउजेंड का है तो टाटा मोटर्स को 28000 करोड़ का सिर्फ लॉस हुआ है एक साल में दोस्तों चलिए एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में क्या है टाटा मोटर्स ने अराउंड 679 करोड़ के शेयर्स इशू किए थे जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है अगर हम यही नंबर मारुति सुजुकी में देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ 100 करोड़ के शेयर इशू किए थे उसके बाद हम लोग रिजर्व्स में टाटा मोटर्स के 51,000 करोड़ रुपीस है और उनकी बोरिंग्स बोरइंग्स ये ऑलमोस्ट रिज़र्व से डबल है यानी नाइन्टी फाइव जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है टाटा मोटर्स के लिए एंड टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम कैश फ्लो चेकआउट करें टाटा मोटर्स के तो टाटा मोटर्स के नेश नेट कैश फ्लोज ये पॉजिटिव में हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ टाटा सन्स टाटा सन्स बहुत ज़्यादा पैसा पोर कर रहा है टाटा मोटर्स की ग्रोथ के लिए लेकिन टाटा मोटर्स उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं कि उनके रिटर्नस कैसे है सो टाटा मोटर्स का रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड ये अराउंड टू परसेंट है 2019 में जो कि 2014 में 23 परसेंट था सो टाटा मोटर्स जितना पैसा इन्वेस्ट करती है उसके सामने उनको 2014 में 23 परसेंट मिल रहा था और जो कि 2019 में सिर्फ 2 परसेंट हो गया सो so, फ्रेंड्स ये 2 परसेंट तो बहुत ही छोटा नंबर है लाइक टाटा मोटर्स अगर सौ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके सामने उन्हें सिर्फ और सिर्फ दो रुपया मिल रहा है तो अगर कंपनी को सिर्फ टू परसेंट मिल रहा है तो इसके सामने आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल सकता है शायद आपको नेगेटिव रिटर्न ही मिल सकते हैं और यही एक वजह है कि टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस गिरी है फ्रॉम 2015. 2015 में टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस अराउंड सिक्स हंड्रेड थी जो कि आज की तारीख़ में सिर्फ नाइन्टी थ्री हो चुकी है और अभी ट्वेंटी परसेंट के बाद भी ये प्राइस आना तो बहुत मुश्किल लग रहा है टाटा मोटर्स में कंपनी एक्चुअली अपने खर्चे ही कवर नहीं कर पा रही बिज़नेस ऑपरेशन से तो डेट कम करना कंपनी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है सो so अगर आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं कहूँगा आप टाटा मोटर्स की जगह कोई एफ में इन्वेस्ट कर लो वहाँ पर आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाएंगे लास्ट ईयर मुझे टाटा मोटर्स की ए में जाने का मौक़ा मिला था इसके बारे में अपडेट्स मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में भी डाले थे सो ए जी में कैसा होता है इन्वेस्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सवाल पूछते हैं माइक पर सो so, एक पारसी लेडी थी उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सवाल किया था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो टाटा मोटर्स की कार यूज़ करते हैं सो so, कितने बोर्ड मेंबर्स हैं टाटा मोटर्स की बोर्ड में जो टाटा की कार्स यूज़ करते हैं और आठ लोगों में से सिर्फ एक मेंबर ने हाथ ऊपर किया था सो आठ बोर्ड मेंबर्स में से सिर्फ़ एक बोर्ड मेंबर के पास टाटा मोटर्स की कार थी बाकी मेंबर्स दूसरी कार्स यूज़ करते थे सो पारसी लेडी ने सिर्फ स्माइल किया पारसी लेडी का बोलने का मतलब ये था कि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही टाटा मोटर्स की कार्स यूज़ नहीं करते तो हम बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स की जो कार्स होती है वो एक्चुअली बहुत ख़राब होती है मेंटेनेंस के मामले में सो so, दोस्तों अगर आपको ये ट्वेंटी परसेंट वाली रैली देखकर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है ताकि वो टाटा मोटर्स डबल और ट्रिपल हो जाए तो संभल कर रहिएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चकाचौंध पे जाकर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपने यश टी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यश टी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए